जब कोई बीमार होता है तो वो ठीक होने के लिए अस्पताल जाता है। अगर किसी को कोई प्रार्थना करनी होती है अपनी लंबी उम्र की कामना के लिए, या तो वो व्रत करता है या तो मंदिर में प्रार्थना करने जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महादेव की नगरी काशी में एक ऐसा भवन भी है जहाँ पे लोग मृत्यु पाने के लिए जाते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा भवन जहाँ पे लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं, और लोग इस भवन में इस आस को लेकर जाते हैं कि वहां जाकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, जिसका जब नसीब है उसे मृत्यु तभी नसीब होगी। कुछ लोगों को तो इस भवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और मृत्यु उन्हें गले लगा लेती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती तो उन्हें इस भवन से वापस अपने घर जाना पड़ता है। लेकिन ये भवन आखिर है क्या, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और उससे पहले कमेंट सेक्शन में हर एक महादेव भक्त हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। धर्मनगरी काशी पूरी दुनिया में मोक्ष यानी कि मुक्ति के लिए जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि काशी में मरने वाला सीधे स्वर्ग जाता है, इसलिए अंतिम समय में लोग अपने परिजनों को वाराणसी के काशी लाभ मुक्ति भवन लाते हैं, उनके साथ रहकर उनकी मौत की कामना करते हैं, और यह सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है। वाराणसी के प्रमुख चौराह में एक गोदोलिया स्थित काशी लाभ मुक्ति भवन में एक समय मोक्ष प्राप्ति के लिए देश भर से लोग आते थे। इस धर्मशाला के 12 कमरे में ठहरने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता था, और इन्हीं कमरों में रहकर लोग अपनी मौत का इंतजार करते थे। इन दिनों यहाँ ज्यादातर कमरे खाली रहते हैं और इनमें ज्यादा कोई नहीं आता, लेकिन इन दिनों यहाँ के ज्यादातर कमरे खाली रहते हैं क्योंकि इनमें आजकल रहने कोई नहीं आता। इसका कारण है मनुष्य की सांसारिक मोहमाया, क्योंकि मनुष्य सांसारिक मोहमाया में इतना उलझ गया है कि अब उसे मुक्ति की ज्यादा कामना नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस भवन में मुक्ति पाने आते हैं। 1998 में डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट के इस भवन के दरवाजे उन लोगों के लिए खोले थे जो काशी में मोक्ष की कामना से आते हैं। यहाँ रहने का शुल्क नहीं लिया जाता है, और लोग अपने अंतिम समय में घर से गोदान कर यहाँ आते हैं। यहाँ आने वाले बुजुर्गों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य भी उनके अंतिम समय तक यहाँ रुक सकता है, और 50 साल से यहाँ की देखभाल कर रहे भैरवनाथ शुक्ला ने दावा किया कि इस भवन में रोज किसी ना किसी को मोक्ष मिलता है। अब तक लगभग 15,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ आकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, और हिंदू मान्यता है कि भगवान शिव ने काशी नगरी का निर्माण मनुष्य की मुक्ति के लिए किया था, इसलिए यहाँ लोग अपना शरीर त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। यहाँ दिन भर रामायण और गीता का पाठ चलता रहता है, शाम को सत्यनारायण भगवान की आरती के साथ मोक्ष प्राप्ति का इंतजार करते बुजुर्गों को रोजाना गंगा जल और तुलसी का सेवन कराया जाता है, ताकि जब भी उनका अंतिम समय आए तो उन्हें अपनी अंतिम सांस लेने में किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। काशी के इस मुक्ति भवन में आज भी कई सारे लोग आते हैं, और हर दिन किसी ना किसी को मुक्ति भवन में मुक्ति जरूर मिलती है। लोगों को यहाँ पे 15 दिन तक रहने का मौका मिलता है। यदि 15 दिन के भीतर उनकी मृत्यु नहीं हुई तो उन लोगों को अपने घर वापस लौटना होता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर इस भवन के भीतर आकर भी इंसान की मृत्यु नहीं हो तो यानी कि उसके कर्म अभी बचे हुए हैं और उसे मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। क्या आपने इस भवन के बारे में पहले सुना था? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।